ला सखी ओट दे आई भारत को और मजबूत लोकतंत्र बनाई। चला सखी ओट दे आई अपने भारत को लोकतंत्र की शक्ति और बनाई। जय सियाराम, जय जय सियाराम, जय जय सियाराम, हनुमान जी महाराज की जय हो। आप देख रहे हैं भारत सेवा संघ अरमापुर मिलन मंदिर कानपुर में उपस्थित हमारे भगवान राम, जानकी और भ्राता लक्ष्मण और सेवक हनुमान जी की विग्रह। ये मंदिर कानपुर नगर से लगभग 15 किलोमीटर दूर अरमापुर रक्षा आवासीय परिसर में स्थित है और ये भारत सेवा संघ के अधीन आता है। हिंदू मिलन मंदिर भारत सेवा संघ, जिसका कि मुख्यालय बालीगंज कलकत्ता में है, और इस मिलन मंदिर को 15 अप्रैल 1961 को तत्कालीन रक्षा मंत्री भारत सरकार श्री वी के कृष्ण मेनन के द्वारा इसकी स्थार आधारशिला रखी गई थी। और उस समय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के तत्कालीन DGOF श्री AM मजुमदार के द्वारा इसकी स्थापना में सहयोग दिया गया था। आज ये मंदिर इतना पुराना होने के बावजूद भी अपनी पूरी भक्ति की कला को, ज्ञान की कला को, सत्य की कला को बिखेर रहा है। इस मंदिर में यहाँ पर प्रतिदिन सुबह और शाम आरती होती है, जो कि रात की आरती सायंकाल 7:30 से 8 के बीच में जो होती है वो वास्तव में देखने योग्य होती है। आप सब लोग कभी समय निकालिए और इस मंदिर का भ्रमण कीजिए। इस मंदिर में बहुत से विग्रह हैं, जैसे कि ठाकुर स्वामी परमानंद महाराज जी का, जो मुख्य रूप से बीच के कमरे में उनका स्थान है, और उसके दाहिनी तरफ जो है बाबा भोलेनाथ और भगवान विष्णु, और उनका बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग भी स्थापित है, और जो भगवान श्री राम, जानकी और लक्ष्मण, भ्राता और हनुमान जी की आप जो विग्रह देख रहे हैं, ये गुरु जी के बाएं तरफ स्थित है। आइए आप सब लोग ऐसे दुर्लभ मंदिर, प्राचीन मंदिर को जरूर कभी समय निकाल कर यहाँ पर दर्शन करने की कोशिश कीजिए। और आप सब लोग को मालूम भी होगा कि इस वर्ष अयोध्या में भगवान राम का रवि तिलक, सूर्य तिलक जो हुआ, उसके उपलक्ष्य में इस मंदिर में भी बहुत धूमधाम से प्रोग्राम मनाया गया था, और आने वाले समय में भी ये इसी तरह से धूमधाम यहाँ पर होती रहती है। और जो भगवान हनुमान जी का जन्मदिन आ रहा है चैत शुक्ल पक्ष पूर्णिमा में, उस दिन भी यहाँ पर बहुत सुंदर जो है पूजा पाठ होगा, आरती होगी, और आप सब लोगों को इस शुभ अवसर पर यहाँ पर समय निकाल कर दर्शन करने का अवश्य प्रयास करना चाहिए। ऐसे मंदिर जो हमारे कानपुर नगर में प्राचीनता को लेकर आज भी अपने को विद्वान करके रखे हुए हैं और जो देखने योग हैं। आइए हम सब लोग भगवान श्री राम और प्रभु श्री हनुमान जी के गुणों को गाते हुए उनके परिवार के प्रति अपने को श्रद्धा समर्पित करते हुए, उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारते हुए इस मंदिर को अवश्य देखने में आने में समय निकालेंगे। और जय जय सियाराम, जय जय सियाराम, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय उपकार के साथ इसका दर्शन अवश्य करेंगे। जय जय सियाराम, 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 जय श्री हनुमान जी की जय हो।
नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।